12.9 विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखों, प्रशीतकों, रेफ्रिजरेटरों, कपड़ा धुलाई मशीनों, कंप्यूटरों, मिक्सी आदि में किया जाता है। जब विद्युत मोटर दिष्ट धारा पर कार्य करता है, इसलिए वह डीसी मोटर कहलाता है। सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाता है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी घूमती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में बदलती है। मोटर की रचना व क्रियाविधि। चित्र 13 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे की तारों की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली प्रबल नाल चुंबक के अवतल बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभाग X तथा Y से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। विभक्त वलय के सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों P तथा Q से स्पर्श करते हैं। चित्र 13। विधि। बैटरी से चलकर धारा ब्रश Q से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक P से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली ABCD में धारा A से B, B से C, C से D की ओर बहती है। अतः AB व CD में धारा परस्पर विपरीत दिशा में होती है। इसके कारण AB पर बल नीचे तथा CD पर बल ऊपर की ओर लगता है तथा कुंडली वामावर्त घूर्णन करती है। आधे घूर्णन में Y का संपर्क ब्रश P से होता है तथा X का संपर्क ब्रश Q से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होते हैं। वह तरीका जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है, उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर CD तथा AB पर लगने वाले बलों की दिशा भी बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। जिन मोटरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता है, उनमें स्थायी चुंबक के बदले विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं तथा कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर देते हैं। कुंडली को भी नरम लोहे के टुकड़े पर लपेटते हैं, जिसे क्रोट कहते हैं। क्रोट तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं, जिससे मोटर की शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। इसमें ये दो तारे हमें दिखाई दे रही हैं, इनकी सहायता से हम यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर है चुंबक। चुंबक यहाँ पर लगा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत ऊपर की ओर और विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस तार से इस तार की ओर, तो ये मध्यमा के माध्यम से दिखाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी के माध्यम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि ये देखिए तांबे की तार से बनी हुई ये कुंडली है, जिसे हम धारावाही चालक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा अंगूठे की दिशा पे होनी चाहिए। तो चलो हम विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। ये देखिए जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ये थी, तो जो बल लग रहा है वो अंगूठे की दिशा में लग रहा है, तभी यह कुंडली अंगूठे की दिशा में गति कर रही है। इस प्रकार विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। और साथ ही विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।